जब कमर्शियल प्लेन को लैंड कराना होता है तो इसकी स्पीड को कम किया जाता है ताकि सेफली लैंडिंग कराई जा सके। लेकिन ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि जब फाइटर जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कराना होता है तो इसकी स्पीड को कम करने के बजाय तेज कर दिया जाता है। तो अब यहाँ सवाल ये आता है कि लैंडिंग के लिए स्पीड बढ़ाने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। देखिए उसमें फाइटर जेट को लैंड कराने के लिए कम से कम 1000 से 1500 मीटर लंबे रनवे की जरूरत होती है, मगर जिस एयरक्राफ्ट कैरियर पर फाइटर जेट को लैंड कराया जाता है वो तो बस 100 से 150 मीटर लंबा ही होता है। अब इतने छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर पर फाइटर जेट को एक रस्सी में फंसा कर रोका जाता है, पर कई बार फाइटर जेट में ये रस्सी फंसती ही नहीं है। ऐसे में अगर स्पीड कम होगी तो ये सीधा पानी में जाकर गिरेगा और क्रैश हो जाएगा, इसीलिए फाइटर जेट की स्पीड को तेज रखा जाता है।